हमारे पुराणों में चार युगों का वर्णन किया गया है, जिनमें सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा गया है। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत। कि हम सबने कभी इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती आना पड़ा। कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर देखना शुरू तब हुआ जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के पौत्र यानी अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की तरफ यात्रा करना शुरू कर दी थी। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ वापस चले गए। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण जी की पृथ्वी को छोड़ने के बाद कलयुग का प्रभाव दिखना शुरू हो गया। आखिर कैसे हुई थी कलयुग की शुरुआत? ये बात एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए निकले थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि कली यानी कलयुग, इसको ही कलयुग कहा गया है, वह एक बैल को मार रहा था और उस बैल का एक ही पैर था और कहते हैं कि वो बैल धर्म था। ये सब देखकर राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया और वो कली को मारने के लिए दौड़ पड़े। कली ने जब राजा परीक्षित को अपनी ओर आते देखा तो वो डर गए। राजा परीक्षित से रहम की भीख मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ और कहीं और जाकर रहो। लेकिन ये सुनकर कली ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहां जाऊं? इस पर राजा परीक्षित ने कहा, जहां अधर्म, चोरी, झूठ, बेईमानी ये सब चीजें हो, वहां जाकर रहना। लेकिन इन सब स्थानों से कली को संतुष्टि नहीं मिली और वो और भी बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कली को स्वर्ण यानी सोने में रहने का आदेश दिया। ये सुनकर कली काफी खुश हो गया और जल्दी से कली ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खराब हो गई और उनके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न हुए। राजा परीक्षित ने रास्ते में गुजर रहे एक सांप को मार दिया और साधना पर बैठे हुए साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली और अपने गले में मरा सांप देखा तो ये देखकर साधु को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आ गया। साधु ने तुरंत ही राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि तेरी मौत आज से 7वें दिन होगी। राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और जब उन्होंने अपनी सोने का मुकुट उतारा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दौड़े दौड़े साधु के पास वापस गए और उनके पास जाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। साधु ने कहा, राजन, दिया गया श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम इन दिनों में जितने अच्छे काम कर सकते हो करो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7वें दिन राजा परीक्षित की मौत हो गई। और राजा परीक्षित के मरने के बाद कली ने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म शुरू हुआ और इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ और हुई पाप अधर्म की शुरुआत। आशा है आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।